तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ये भी मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले ये मैं एक कनेक्टर लेके आई हूँ जो कि आईपैड के साथ कनेक्ट होता है। हमारे पास एक पुराना कैमरा है जहाँ से हमें वीडियोस और फोटोज़ को ज़रूरत थी आईपैड में इम्पोर्ट करने की, और वो डिजिटल नहीं है, तो इस वजह से हमें हमारे पास एक यूएसबी केबल तो है जो कि कैमरे से तस्वीरों को और वीडियोस को इंपोर्ट कर देता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन आईपैड के साथ करने वाला नहीं था। तो अभी हम ये लेकर आए हैं, और ये एक एडाप्टर कह लें, ये छोटा सा एक केस है, और इसे जब हम खोलेंगे तो इस साइड से ये आईपैड को कनेक्ट होगा, और इस साइड से जब हम इसे खोलेंगे तो इसके अंदर हमारी स्टोरेज वाली डिस्क जाएगी जो कि हम कैमरे के अंदर से निकाल कर इसके अंदर डाल सकते हैं, और वो डिस्क जो भी तस्वीरें होंगी, तस्वीरों वाली डिस्क हम इसमें डालेंगे और फिर वो इससे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी आईपैड के अंदर। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो हमें चाहिए थी ताकि हम अपनी तस्वीरों को आईपैड में ट्रांसफ़र कर सकें, और इसका नाम है एसडी कार्ड कैमरा रीडर। ये देखें एसडी कार्ड, सो हम अपना एसडी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं, और ये एसडी कार्ड कैमरे का जो है वो इसके अंदर जाएगा, और फिर ये सारी हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आईपैड के अंदर चली जाएंगी। ये इसका बॉक्स है। इसके बाद हमने ये लिया है एक स्टैंड पॉकेट पॉड, और ये फ़ोन को होल्ड करने के लिए काम आता है। इसे हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं अगर हम इसे एक स्टिक की तरह यूज़ करें, और इसे हम एक स्टैंड भी बना सकते हैं टेबल पर या काउंटर पर रखने के लिए। और अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैंने ऑलरेडी खोल लिया था और निकाल लिया था, तो मैं अभी ये आपको बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टैंड की सूरत में है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे मैं अभी लेकर आई हूँ और मैंने अभी यूज़ भी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मैं एक फ़ोन लाई हूँ, गूगल पिक्सल। मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा था तो मुझे नया फ़ोन लेना था, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो अभी मैं इसे खोलती हूँ। लेकिन मैं पहले एक और चीज़ जो मैं ख़रीद कर लाई हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक ट्राईपॉड है, लेकिन ये कैमरे के लिए नहीं बल्कि ये फ़ोन के लिए है। कैमरा ट्राईपॉड तो मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन मेरे पास फ़ोन होल्डर जो कि मैं फ़ोन के ऊपर लगा सकूं, ये अलग में भी मिल जाता है सिर्फ फ़ोन के लिए, जो कि आप ट्राईपॉड के ऊपर अटैच कर सकें, लेकिन ये पूरी किट है और इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो ट्राईपॉड है, फ़ोन होल्डर वो छोटा सा, उसे मैं रिमूव करके दूसरे ट्राईपॉड पर भी लगा सकती हूँ, और इसमें एक लाइट भी है जो कि तकरीबन 6 इंच बाई कलर लेड रिंग लाइट, और इसमें स्मार्टफोन माउंट है, और 42 इंच ट्राईपॉड विद बॉल हेड। सो ये बहुत इजी है मैनेज करना, और मैं इसे यूज़ करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलें हम इसे खोलते हैं। पहले फ़ोन को इधर कर दूँ। ओके, सो ये है इसका स्टैंड, और ये है लाइट जो कि इसके, आई थिंक ओके, ये लाइट इसके ऊपर कहीं फिक्स होगी। इसके ये बटन्स हैं, आई थिंक ये लाइट का रिमोट है, इसे इसकी पावर को अप एंड डाउन करने के लिए पावर, और इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये इसका क्लिप है जो कि उसके ऊपर लगेगा। तो ये देखते हैं आईपॉड ट्राईपॉड, ये छोटे साइज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसे आप लंबा करना चाहें तो आप इसे खोल कर लंबा भी कर सकते हैं। और इसका यहाँ से ये टाइट होता है, इसे जिस भी आपने
जिस पोजीशन में भी रखना हो, आई थिंक इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, बेंड डिफरेंट डायरेक्शन में, और यहाँ से फिर से टाइट, और इसके अंदर फोन आएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ, तो इसके अंदर मैं पुराना फोन अपना इसके अंदर क्लिप कर रही हूँ, तो अभी ये इसके अंदर आ गया, और इसे मैं जिस भी जाविये पे करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। और ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसे मैंने पूरा लंबा नहीं बनाया, और ये टेबल पे भी यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं चेंज भी कर सकती हूँ डायरेक्शन, जहाँ भी मुझे इसे रखना हो मैं रख सकती हूँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ। इसे मैं आउट ऑफ वे करती हूँ, और अब मैं फाइनली गूगल पिक्सल, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। बहुत अरसे से मेरे पास फ़ोन नहीं था, जो मेरा फ़ोन था वो ख़राब था, तो ये फ़ोन है, स्लिम भी है, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा, पिक्सल का कैमरा बहुत हाई क्वालिटी का है, और ये उनका प्रॉमिस है। मैंने ये बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं लिया, पिक्सल एक एक्सपेंसिव वाला भी आ रहा है, मैंने ये मिड रेंज का लिया है, क्योंकि मुझे तो बेसिकली कैमरा चाहिए था, और ये कैमरा एज लॉन्ग एज कैमरा इसका बहुत अच्छा है। और ये इसकी वायर है, चार्जर, और ये कनेक्टर, और आई थिंक इसका और USB केबल वगैरह के साथ अटैच करने के लिए अगर आपको चाहिए हो, और ये चार्जिंग के लिए ऐसे, और इस तरफ से ये हमारा जाएगा इसके साथ। तो ये चार्जर हो गया, फोन ब्लैक है, चार्जर और वायर वाइट है, लेकिन उसे ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। ओके, पावर ऑफ। अभी इसे सारा मैंने सेटअप करना है। आई लाइक दिस फोन। इसमें दो कैमरे पीछे हैं और एक कैमरा फ्रंट पे है, तीन कैमरे हैं, लेकिन ये कैमरे बहुत अच्छे हैं। ओके, अभी मैंने इसमें अपने फोन की चिप नहीं डाली, ये अनएक्टिवेटेड है, क्योंकि मैंने ये अनलॉक फ़ोन लिया है, तो अभी मैंने इसमें अपनी चिप डालनी है, और फिर ये मेरा फ़ोन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये भी गूगल का साइन आ गया इसके ऊपर, तो ये नो कमांड, बिकॉज अभी मैंने इसमें अपनी चिप ऐड करना है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन द डाउन बिलो। Thank you. Bye.